हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कॉर्ड प्रोलैप्स के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कॉर्ड प्रोलैप्स इज आल्सो कॉल्ड एज एबनॉर्मल डिसेंट ऑफ कॉर्ड, जिसमें कि जो कॉर्ड है वो प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे स्लिप होके आ जाता है एंड इट इज कंप्रेस्ड बिटवीन द यूट्राइन वॉल और सर्विक्स एंड प्रेजेंटिंग पार्ट। सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल डिसेंट ऑफ कॉर्ड। सबसे पहला जो टाइप है वो है ऑकल्ट प्रोलैप्स। द कॉर्ड इज प्लेस्ड बाय साइड ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इज नॉट फेल्ट बाय फिंगर्स ऑन इंटरनल एग्जामिनेशन, बट दिस इज डायग्नोज इन के बाय यूएसजी एंड एलएससीएस। मैं ये पिक्चर के हेल्प से आपको समझाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। कॉर्ड प्रेजेंटेशन, दिस इज इन दिस द कॉर्ड इज स्लिप्ड डाउन बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इज फेल्ट लाइंग इन इंटैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो इसमें जो मैंने अभी पिक्चर दिखाया था उसी तरह से उसमें कॉर्ड स्लिप होके आगे आ जाता है, लेकिन बैग ऑफ मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, इट इज़ नॉट रप्चर्ड, सो वो उसी के अंदर में रहता है। और जो थर्ड टाइप है कॉर्ड प्रोलैप्स, द कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वजाइना और आउटसाइड द वल्वा फॉलोइंग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन रप्चर हो चुका है, सो वी कैन सी दिस इन दिस पिक्चर। यू कैन सी ये है ऑकल प्रोलैप्स, जिसमें कि कॉर्ड जो है वो साइड में है, हेड के साइड में है या जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके साइड में रहता है, और दिस के नॉट बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ पर्वजनल एग्जामिनेशन। और ये जो है कॉर्ड प्रेजेंटेशन है, दिस इज यहाँ पे कॉर्ड जो है वो हेड के आगे आ चुका है लेकिन मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ है और वो उसी के अंदर में है। एंड दिस इज कॉर्ड प्रोलैप्स, जिसमें कि कॉर्ड प्रोलैप्स हो चुका है, मीन्स वो हेड के या प्रेजेंटिंग पार्ट से आगे आ चुका है और मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से आइदर इट इज इनसाइड द वजाइना और इट हैज कम आउटसाइड द वल्वा। सो लेट्स सी व्हाट आर द एटियोलॉजी। सो यू कैन सी एनीथिंग विच इंटरफेयर्स विद परफेक्ट एडेप्टेशन टू द पार्ट ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट डिस्टर्बिंग वॉल वॉल्व एक्शन में फेवर कॉर्ड प्रोलैप्स। यानी कि आपको पता है कि जो हेड है अगर वो वेल फिटेड है टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट और टू द सर्विक्स, तो वहाँ पे हेड और यूट्राइन वॉल या लोअर यूट्राइन सेगमेंट के बीच में या सर्विक्स के बीच में कोई स्पेस नहीं रहता, सो कॉर्ड के नॉट कम स्लिप आउट फ्रॉम हियर टू डाउन। लेकिन अगर देर इज डिस्टेंस बिटवीन, अगर हेड वेल फिटेड नहीं है या ब्रीच प्रेजेंटेशन है या कोई भी ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में वेल फिटेड नहीं है, तो देर इज स्पेस बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, विच कैन बिकॉज ऑफ विच द कॉर्ड कैन स्लिप एंड कम इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। सो यहाँ पे मैंने बताया है फैक्टर्स जैसे कि माल प्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, प्री मेच्योरिटी, ट्विन्स, हाइड्रोमनियोस एंड प्लासेंटा प्रीविया एंड आइट्रोजेनिक, दीज आर सम ऑफ द कॉजेस विच कैन लीड टू कॉर्ड प्रोलैप्स। आइट्रोजेनिक लाइक जैसे कि कॉर्ड प्रेजेंटेशन ऑलरेडी है और हमने मेम्ब्रेन रप्चर किया तो उसकी वजह से वो बाहर प्रोलैप्स हो गया, तो दैट कैन बी वन ऑफ द केस ऑफ आइट्रोजेनिक कॉर्ड प्रोलैप्स। देन दिस आर सम ऑफ द पिक्चर्स विच आई एम शोइंग अबाउट रीजन्स ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। यहाँ पे प्लासेंटा प्रीविया की जैसे केसेस रहते हैं, तो जिसमें लो लाइंग प्लासेंटा रहता है तो कॉर्ड जो है वो यूट्राइन लोअर यूट्राइन सेगमेंट के पास रहता है और यहाँ पे कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन है यू कैन सी, तो इफ द बटक्स इज नॉट वेल फिटेड सो इन दैट केस अगेन कॉर्ड कैन प्रोलैप्स इजीली। फिर ट्रांसवर्स लाई में भी कॉर्ड जो है इस तरह से प्रोलैप्स होने के चांसेस है। सो दीज आर सम ऑफ द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ पिक्चर्स। देन डायग्नोसिस, हाउ वी कैन डायग्नोज दीज कंडीशन। सो ऑकल प्रोलैप्स हमें कैसे पता चलता है, ये बहुत मुश्किल है डायग्नोज करना क्योंकि इसमें जो हेड रहता है सॉरी जो कॉर्ड रहता है वो कॉर्ड जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड में रहता है, सो जब पीवी करते हैं तो वो फील नहीं हो पाता। तो लेकिन इफ देर इज परसिस्टेंस ऑफ वेरिएबल डिसेलरेशन ऑफ FHR ऑन कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, हमें डाउट करना चाहिए कि ओकल प्रोलैप्स हो सकता है। दूसरा है कॉर्ड प्रेजेंटेशन, दिस डायग्नोसिस इज मेड बाय फीलिंग पल्सेशन ऑफ कॉर्ड थ्रू द इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स। जब हम मेम्ब्रेन
मतलब हम जब पीवी करते हैं तो मेम्ब्रेन के थ्रू हमें पल्सेशन अगर फील हो रहा है तो वी शुड डाउट कि देयर मे बी कॉर्ड प्रेजेंटेशन। देन कॉर्ड प्रोलैप्स हमें ये तो इजीली डायग्नोस हो जाता है कि जब हम पीवी करते हैं तो अगर वो वजाइना के अंदर है तो हम उसे फील कर पाते हैं, और या फिर हमें पल्सेशन फील होता है इन केस द फीटस इज अलाइव। देन नेक्स्ट लेट्स सी एंटिसिपेशन एंड अर्ली डिटेक्शन। कॉर्ड प्रोलैप्स इज अ टाइप ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी, और हमें जल्दी से डायग्नोस करके या कुछ केसेस में हमें उसे एंटिसिपेट करना चाहिए। जैसा कि हम केसेस अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्लासेंटा प्रीविया है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है या माल प्रेजेंटेशन, तो हमें ये पहले से ही डाउट करना चाहिए, एंटिसिपेट करना चाहिए कि इन केस में ऐसा हो सकता है, और उसे अर्ली डायग्नोस करना चाहिए सो दैट वी कैन सेव द लाइफ ऑफ बेबी। सो ऑलवेज कैरी आउट इंटरनल एग्जामिनेशन इफ मेम्ब्रेन रप्चर प्रीमेच्योरली और इन केस ऑफ हाई रिस्क केसेस टू डिटेक्ट कॉर्ड प्रोलैप्स। तो जब भी हम मेम्ब्रेन रप्चर करते हैं तो तुरंत हमको चेक करना है, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है सॉरी प्रीमेच्योरली, या हमने जो भी अभी जितने भी माल जो भी हमने केसेस देखे हाई रिस्क केसेस, अगर उनमें से कोई केस है तो मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है तो हमें जल्दी से जल्दी चेक करना चाहिए कि कहीं कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं है। देन सर्जिकल इंडक्शन शुड बी ऑलवेज डन इन ओटी कीपिंग एवरीथिंग रेडी फॉर एलएससीएस। सो अगर हमें किसी पेशेंट में एमनियोटोमी करना है तो इट शुड बी डन इन ओटी एंड वी हैव टू कीप एवरीथिंग रेडी फॉर एलएससीएस, कि अगर एमनियोटोमी के बाद हमें पता चलता है कि कॉर्ड प्रोलैप्स है तो हम तुरंत एलएससीएस करके बेबी को बचा सकते हैं। और पीवी शुड बी डन बिफोर एंड आफ्टर एमनियोटोमी टू रूल आउट कॉर्ड प्रेजेंटेशन और कॉर्ड प्रोलैप्स। देन रूल आउट कॉर्ड प्रेजेंटेशन और ऑकल्ट प्रोलैप्स इन अनएक्सप्लेन फीटल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग लेबर। अगर लेबर के टाइम पे फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है जिसका हमें और कोई रीजन नहीं मिल रहा है तो वी शुड सस्पेक्ट कॉर्ड प्रेजेंटेशन और अकल्ट प्रोलैप्स इन दिस केस आल्सो। मैनेजमेंट एम्स ऑफ मैनेजमेंट आर वंस डायग्नोसिस इज मेड नेवर अटेम्प्ट टू रिप्लेस द कॉर्ड। ये जो है इन केस ऑफ कॉर्ड प्रेजेंटेशन है, जब मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ है पर हमको फील हो रहा है बैग में से कि मेम्ब्रेन से कि अंदर में कॉर्ड है, तो उसे अंदर ढकेलने की कोशिश नहीं करना चाहिए क्योंकि इन दैट प्रोसेस वी कैन रप्चर द मेम्ब्रेन एंड कॉर्ड कैन गेट प्रोलैप्स्ड। और ये दूसरा है, इफ इमीडिएट नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल देन वी हैव टू टेक फॉर सिजेरियन सेक्शन। एंड थर्ड इज रेयरली इन केस ऑफ मल्टी ग्रेविडा जिसमें 7 to 8 cm डायलिटेशन हो चुका है और फिटल डिस्ट्रेस के कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग वैक्यूम या फोर्सेप डिलीवरी के हेल्प से जल्दी वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। नाउ सी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कॉर्ड प्रोलैप्स डिपेंड्स ऑन वेदर द बेबी इज लिविंग और डेड एंड मेच्योरिटी ऑफ बेबी एंड डिग्री ऑफ डायलिटेशन। इन सब पे डिपेंड करता है कि हम क्या मेजर लेने वाले हैं, क्या प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं। सो इन केस बेबी इज अलाइव, इफ वजाइना डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल टेक फॉर सिजेरियन सेक्शन बट जस्ट प्रायर टू इंसिशन अगेन टेक एफएचएस टू अवॉइड एलएससीएस ऑन डेड बेबी। सो अगर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी केस होता है जिसमें हमें जल्दी से जल्दी फीटस को बाहर डिलीवर करने की कोशिश करनी चाहिए, तो अगर हमको ऐसा लगता है कि वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, तो हम वेट नहीं कर सकते और हमें जल्दी से जल्दी पेशेंट को ओटी में लेना है और बेबी को डिलीवर करना है बाय एलएससीएस। लेकिन जस्ट बिफोर टेकिंग इंसिशन फिर से एक बार हमें चेक करना होगा कि एफएचएस चेक करना है टू मेक श्योर दैट बेबी इज स्टिल अलाइव। देन फॉर इमीजिएट इफ इमीजिएट वेजाइनल डिलीवरी इज सेफ एंड देन इट शुड बी कंडक्टेड विथ हेल्प ऑफ फॉर्सेप और वैक्यूम। अगर सपोज जब हमने डायग्नोज किया कॉर्ड प्रोलैप्स, ऑलरेडी वुमेन 8 to 9 cm डायलेटेड है, तो तुरंत हम उसको विथ हेल्प ऑफ फॉर्सेप या वैक्यूम से उसको डिलीवर कर सकते हैं। देन फर्स्ट एड टिल डेफिनेटिव मैनेजमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक कि हम पेशेंट को डिलीवर नहीं कर लेते, चाहे वो एलएससीएस हो या वजाइनल डिलीवरी हो, हमें ये फर्स्ट एड मेजर्स करना है टू
मिनिमाइज द प्रेशर ऑन द कॉर्ड बाय प्रेजेंटिंग पार्ट. तो इसके लिए यू कैन सी दैट टू लिफ्ट द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द कॉर्ड बाय ग्लव्ड फिंगर इंट्रोड्यूस इन वजाइना टिल डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज इंस्टीट्यूटेड विथ हेल्प ऑफ डायग्राम. आई कैन शो दिस लाइक योर यू कैन सी दैट हम पीवी कर मतलब एक पर्सन जो असिस्टेंट रहेगा वो कंटिन्यूसली जब तक कि पेशेंट का LSCS नहीं हो जाता या डिलीवरी नहीं हो जाती ग्लव्ड फिंगर अंदर डाल के हेड को ऊपर लिफ्ट करके रखेंगे. और दूसरा जो है वो है ब्लैडर फिलिंग टू बी डन टू रेज द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द कंप्रेस्ड कॉर्ड. ब्लैडर इज फिल्ड विथ 400 to 750 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन एंड बट मेक श्योर दैट बिफोर LSCS वी शुड एम्प्टी द ब्लैडर सो दैट अगेन यू कैन सी विथ इन दिस पिक्चर कि हम लोग दूसरा जो फर्स्ट एड कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि पेशेंट को कैथेटराइज करेंगे और उसमें ब्लैडर में 400 to 750 ml तक का नॉर्मल सलाइन फिलअप कर सकते हैं और जिसकी वजह से हेड जो है ऊपर रेज हो जाएगा और इसके ऊपर कॉर्ड के ऊपर जो प्रेशर है वो मिनिमाइज हो जाएगा. देन अदर देन दैट वी यू कैन ऑल्सो डू पोस्चरल मैनेजमेंट लाइक नी चेस्ट पोजिशन ट्रेंडलेनबर्ग पोजिशन और एग्जैजरेटेड सिम्स पोजिशन विथ पिल्लो और वेज अंडर थाई और हिप. दिस मे बी ऑल्सो डन टू टेक ऑफ द प्रेशर फ्रॉम कॉर्ड. अगेन यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज नी चेस्ट पोजिशन. इन दिस पोजिशन द फीटस का जो वेट है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा जिससे कि कॉर्ड कंप्रेस नहीं होगा. देन ट्रेंडलेनबर्ग पोजिशन कैन बी ऑल्सो गिवन फॉर दिस ऑल्सो. एंड दिस इज यू कैन सी एग्जैजरेटेड सिम्स पोजिशन है जिसमें हिप के नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हैं हिप के नीचे में एक पिलो रखा हुआ है ताकि जो फीटस का वेट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए और कॉम्प्रेशन मिनिमाइज हो जाए ऑन द कॉर्ड. दिस इज अनदर थिंग अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज टू रिप्लेस कॉर्ड इन टू वजाइना टू मिनिमाइज वेजोस्पैज्म ड्यू टू इरिटेशन और टू कवर विद गॉज. तो इन दिस केस दिस इज इन केस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स. इन केस ऑफ कॉर्ड प्रेजेंटेशन डोंट ट्राई टू रिप्लेस कॉर्ड एट ऑल. ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया. यहाँ पे हम रिप्लेस कब बोल रहे हैं जब कॉर्ड प्रोलैप्स हो चुका है एंड कॉर्ड इज लाइंग आउटसाइड द वजाइना यानी कि वल्वा के बाहर में है. तो बिकॉज ऑफ एयर इरिटेशन एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट इरिटेशन हो सकता है कॉर्ड को और जिसकी वजह से वेजोस्पैज्म हो सकता है. तो इन सच केस हमको इफ पॉसिबल कॉर्ड को अंदर रिप्लेस करने की कोशिश करनी चाहिए. अदरवाइज एटलीस्ट वो जो कॉर्ड बाहर है उसको गॉज से कवर करके रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर में एनवायरमेंट एटमोस्फेरिक एयर का कुछ इफेक्ट ना हो और इरिटेशन ना हो. सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड मेकिंग मी फील एनकरेज टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.